नूरमा दिनेश शर्मा है, मैं पदम बिहार कॉलोनी भरतपुर की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो अपने दोनों हाथ हिला सकती है। आप ही हैं? हाँ, ऐसे दोनों हाथ हिला लो। बच्चे को लाई हो साथ में? अच्छा, गोदी में है। ठीक 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 है। मैं शिव की महिमा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव? मेरी दो बेटियां हैं, एक 14 साल की, एक 12 वर्ष की। महाराज, मैंने दो बेटियों को जन्म दिया, पर दुनिया के लोगों ने ताने देना बंद नहीं किया। इतना अपशब्द कहते थे, इतना अपशब्द कहते थे गुरुजी, बेटे को नहीं जान सकते। हमारा कहना है बेटी और बेटा एक ही होते हैं। बेटे को जन्म नहीं दे पाई मैं। मेरे दो बेटी 14 और 12 वर्ष की हैं। लोगों ने गलत शब्द कहे, इतना ताना देते थे, मंदिर जाओ तो मंदिर में ताना देते थे, अपशब्द कहते थे, इसका बुढ़ापा कैसे निकलेगा, ये तो ऐसी है, ये तो वैसी है। सुनकर आंखों में जल भर गया गुरुदेव। तभी गुरुदेव, आप पत्र पढ़ सकते हो जो पत्रों से बहन ने लिखा। सावन की शिवरात्रि पिछले वर्ष की, गुरुदेव आपने ऑनलाइन शिव जी का अभिषेक करवाया था, उस अभिषेक को मैंने किया। मेरे घर में महादेव की मैंने पूजन करी। आपने कहा था एक बेलपत्र उठा लेना और जो मांगो बाबा से वो देता जरूर है। बाबा, एक बेलपत्र रखी और बाबा से प्रार्थना करी कि मेरे घर में दो बेटी एक बेटा जरूर देना। शिव की कृपा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। बस अभिषेक पूर्ण हुआ, उसके 20 दिन निकले, गर्भ ठहरा। बाबा की कृपा से 3:33 पर 31 तारीख को एक बेटे ने जन्म लिया और बाबा की कृपा से मैं उसको यहां प्रणाम करने के लिए लेकर आई। उस बच्चे को थोड़ा सा ऊंचा कर दो, क्योंकि भीड़ ज्यादा है ना, यहां तक लाने में उसको समय लगेगा। ऊंचा कर दो थोड़ा सा। हाँ जी, हर हर महादेव। शिव तत्व है, बैठिए। हर हर महादेव। गुरुग्राम हरियाणा से हूं। गुरु जी, मैं बाबा की वर्णन क्या करूं। 2016 में चुनाव लड़ा था मैंने, जिसमें मैं हार गया। पर गुरुदेव, आप कहते हो ना कि हिम्मत नहीं हारना चाहिए। पूरा परिवार हिम्मत हार गया, रोई, आंखों में आंसू आए। फिर वापिस 2022 में फिर चुनाव का क्रम रहा। और गुरुदेव, मैंने जनवरी 2022 में जब चुनाव का क्रम रहा, उससे पहले आपने जो पिछली सावन की शिवरात्रि पर जो ऑनलाइन पूजा कराई थी, और पिछले सावन की शिवरात्रि पर जब ऑनलाइन पूजन कराई तो आपने कहा था कि उस ऑनलाइन पूजन में जो शंकर भगवान पर आपने बेलपत्र चढ़वाई थी और उसकी एक बेलपत्र आपने उठाकर रखने का बोला था कि कामना पूर्ण होने पर अगले वर्ष जब श्रावण की शिवरात्रि पर अभिषेक हो तो उस समय वो बेलपत्र शिव को फिर समर्पित करे। गुरुदेव, आज बाबा ने मेरे पर कृपा करी और ऐसी मेहर करी, ऐसी कृपा करी कि फिर मैंने वापिस चुनाव लड़ा और बाबा की कृपा से दूसरा स्थान हमको मिला। दूसरी जगह से जाकर चुनाव लड़ना था, वहां से लड़ा और बाबा की कृपा से मैं वापिस जब चुनाव लड़ी तो बाबा ने ऐसी कृपा करी कि 2200 वोट से मुझे सफलता मिली। इसलिए मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। हर हर महादेव। शिव तत्व होता ही ऐसा, 12 महीने प्रदोष आती है।